यार क्या बताएं, अब ऐसी लाइफ होगी। अरे आप लोग आ गए। अरे यार दोस्तों क्या ही बताऊं, अभी मैंने अपने बैनी के, आप सोचोगे बैनी के कहता चला गया। दोस्तों मैंने अभी अभी अपनी एक इतनी प्यारी कार बैनी को बेच दी आकर के इतने सस्ते दाम पे, क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उर्सला, उसने मुझ पे कर दिया था केस डिफेमेशन का, तो मैंने उसका मुंह चुप कराने के लिए उसके मुंह पे मारने हैं पैसे, और पैसों का इंतज़ाम करने के लिए मुझे आना पड़ा बैनी की मदद लेकर लेने। तो बैनी ने कहा भाई मैं तुम्हारी अभी ऐसे कोई डायरेक्ट मदद नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ अगर तुम मुझको ये कार बेच दोगे तो मैं इसके तुम्हें अच्छे पैसे दिला सकता हूँ। बट बैनी ने कहा कि यार इनसे भी ज़्यादा पंगा ले नहीं सकते हो, जितना ये दे दे उनको अब कार पसंद आ गई, इससे बेटर है कि वो तुम्हारी कार चोरी कर दे, तो तुम उनको अपनी कार ऐसे दे दो जो रेट वो लेना चाह रहे हैं। उस तो डील करा दी, लेकिन अब मुझे लड़कियों से ऐसी नफरत हो गई, खास करके उर्सला यू नाम वाली लड़कियों से, उनकी तो ऐसी की तैसी ऐसी हालत करके चली गई मेरी, खुद ऐसे घूम रही हट। अरे शिट, अबे ये क्या कर दिया, गुस्से गुस्से में इसको पेल दिया। शिट यार चलो यहाँ से निकल लेते वरना पुलिस हमको पेलेगी, अगर किसी ने बता दिया फ़ोन करके। चलो भैया भाग ले तो भाग भाग फ्रैंकलिन। अरे हाँ तो मैं आपको बता भी रहा था, साथ में बता दूँ पूरी कहानी की। अब वैसे तो हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया था, वो चाहती थी कि मैं उसको अपनी नई क्लिंटन डीलरशिप जो मैं लेने की सोच रहा था उसमें उसको हिस्सा दे दूँ, लेकिन मैंने कहा ठीक है तू भी गर्लफ्रेंड है, हम लोगों की फ्यूचर में शादी होगी, बच्चे होंगे, तो सब कुछ तेरा है जो मेरा है। लेकिन उसमें थोड़ा उसको ज़्यादा चाहिए था, मैंने कहा 50-50 कर लेते, उसने कहा नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए। अरे बेस्ट जोक्स, बहुत तेज लग गई है दोस्तों, अभी अभी इलाज करा के आ रहा हूँ इस अस्पताल की बहन की, टन टन टन, वैसे भी पैसे नहीं है। थैंक यू अस्पताल वाले, इन्होंने मैं मुफ्त में सरकारी इलाज कर दिया है। अब चलो जॉब ढूंढ लेते हैं, सामने एक दुकान दिख रही शायद वहाँ मेरा कुछ काम हो जाए, कुछ बर्ड्स करके क्या नाम लिखा है इसका यार, देखो देखता हूँ। ओह बर्ड्स टूल सप्लाई कंपनी, शायद यहाँ पे कोई डिलीवरी जॉब वगैरह की जॉब में हो हम लोगों को मिल सकती है। अरे ये तो बंद है शायद, ये दीदी ने हेलो बोला था शायद, इनसे बात करके देखता हूँ। हाय दीदी ऐसा है कि उस आप मेरे को मदद कर सकते हो क्या? अरे यार दीदी गाली क्यों दे के जा रही हो? अरे यार ये सब, अरे यार दीदी एक तो चक्कर भी आ रहा है यार, बहुत सर दर्द हो रहा है, खाना भी नहीं खाया था, एक्सीडेंट हो गया, चोट भी लगी है। चलो यार, अरे अबे ये बच गए, ये क्या कर रहा था, गुस्सा आदि मुझे मारने का मन करता है किसी को, इस मोटी की तो मैं मोटी तेरी चटनी बना दूं मैं। चलो छोड़ो यार, अबे पीछे भाग गई उल्टा, मैं तेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलने वाला लग रहा हूँ के बालक। अरे यार चक्कर लग रहा है, छोड़ो यार चलते हैं यार यहाँ से, या इसको किक कर दूंगा। अबे ये क्या था, अबे फ्लाइंग डिस्क बन गया, इसको फुटबॉल बना देता हूँ, जूम गोल। ए यहाँ दरवाजा है ना कोई, शायद किसी का काम होता है किसी चीज़ का। अबे यार कार्डबोर्ड बॉक्स है, ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ पे शायद ऊपर कुछ लोग काम कर रहे हैं। यहाँ ये कहाँ गया, अभी किसी गैराज के आसपास निकल आया हूँ लग रहा। चलो यार देख लेता हूँ आगे चल कर के क्या यहाँ पे कोई जॉब वगैरह मिल जाएगी, किधर से जाऊँ। हाँ ये से यहाँ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी से नीचे उतर लेता हूँ। चलो भाई उतरो उतरो उतर जाओ ना उतरो, खेलेंगे खतरा। सामने एक कार भी खड़ी है, और यहाँ कोई मैकेनिक होगा पक्का, नहीं यार मैकेनिक नहीं है, फैमिली पक्का पिकनिक पे जा रही होगी सब बेचारी। हेलो भैया अंदर दो क्या, अंदर दो। हेलो कोई है, कोई है क्या? नहीं यार कोई नहीं मिल रहा, यहाँ तो इधर भी कोई नहीं है। चलो यार फिर यहाँ से चलते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। सामने सामने किसी से मदद मांग लेता, ए गाली दे रहा है भाई साहब, बिना बात के गाली दे के जा रहा है, इसकी तो मैं भैंस की टैट उड़ा दूँ। लेकिन छोड़ो यार क्या करें, इस समय हम लोग हैं मुसीबत में, गरीबी में आटा भी गीला होता है ना, तो भाई अले इनसे मदद मांगो। हाय आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या आपके पास कोई जॉब है जो मैं कर सकता हूँ ऐसा? अरे यार जवाब तो दे के जाओ कम से कम। दोस्तों जवाब भी नहीं दिया मेरे को तो, भैया ट्रक से संभल के चलूँगा। सामने ड्राई क्लीनिंग की शॉप है, यहाँ बंद, मतलब पीछे का हो सकते हैं लोग, चलो देख के आते। अबे ये तो सब बंद है यार, इधर इधर साइड में भी सब बंद है यार, कोई नहीं है यहाँ पे। चलो वापस मेन रोड पे चलते हैं फटाफट, अब तो मेरी हालत भी ख़राब हो गई, हाफ में लग गया हूँ मैं। चलो इनसे बात कर लेते हैं दोस्तों, हाँ शायद ये हमारी मदद करें। तो दोस्तों इनसे बात हो गई, इन्होंने पहले कहा था ये मेरी मदद करने की, अब ये मना करते हैं, अब ये गुस्सा हो गए किसी बात से, जब मैंने इनको पूरी अपनी कहानी बताई, इनको लगता है कि ये सब मैं। अरे भैया अबे ये तो बिना बात के चौड़ा होता है,
तेरी मौसी की लड़की थी क्या वो? आ तुझे बताता हूँ टकले, तेरा गेम बजाना पड़ेगा। ये ले ये ले तेल का ऑमलेट बना दूंगा तेरे टकले पे। ऑफ कोर्स आई वांट टू फक विद यू। ले अब मुझे मार दी थी ना, ये ले तेरा गेम बजा दूंगा बेटा, इतना मार दूंगा कि तू गेम बच जाएगा ना। फाइल ए ती मौसी की लड़की को मारा है क्या जो तू आधा कार छोड़ कर बीच रास्ते में? धक्का देगा धक्का देगा जा, बिना बात के चौड़ा होता अच्छा खासा जाता ना, जा वापस। तेरी हाँ तेरी तो मौसी हो सकती है वो, तेरी बुआ जवान करता हूँ जो सारे तेरी ऐसी की तैसी है निकल। आह मेरे लग गई स्ट्रिक्स दिए जैसे मेरे लग गई निकल। चलिए दोस्तों कुछ ना कुछ तो पैसे मिल ही गए, इनके पास भी कुछ हो शायद। ये मौसी के अंकल के पास से चाबी मिल गई गाड़ी की, इसको लेके निकल लेता हूँ। चलो दोस्तों फटाफट निकलते, पुलिस पीछे लग गई है। मेरे पास इस समय इतना पैसा नहीं कि मैं बेल करा पाऊँगा खुद की। चलो इधर से आई अरे यार कार भेड़ दी यार, इसकी भैंस की टाटो गाड़ी भी लहरा रहा हूँ मैं तो इतने ऐसे। चलो यार छोड़ो, पुलिस से तो बच ही जाऊँगा, साथ में ऐसा करता हूँ इस कार को बेच के कुछ ना कुछ पैसे का इंतज़ाम करता हूँ कि ताकि घर और कुछ आज का खाने का इंतज़ाम हो जाए। तो मैं अपने वो एयरपोर्ट के पास वाले दोस्त के पास चलता हूँ जहाँ से मैं काम ये करवा सकता हूँ इसके, उसको ये गाड़ी बेच दूँगा और उससे कहूँगा ओ दे यार गाड़ी तो अब लग नहीं रहा बिकने वाली, चलो ट्राई करते दोस्त अपना मदद कर दे शायद। चलो फटाफट चलते हैं ऐसा करता हूँ, उसको गाड़ी बेच करके हम लोग अच्छा खासा पैसा जो देगा वो उससे उसी के आसपास कहीं शॉप वगैरह लेंगे या बिजनेस कर भी सकते। फिलहाल तो रहने का इंतज़ाम करना है, इतने पैसे लग नहीं रहा गाड़ी मेरे को दे पाएगी। चलो दोस्तों फटाफट चलते हैं, ये रहा वो हाईवे, यहाँ से थोड़ा सा उल्टा सीधा जाना पड़ेगा रॉन्ग साइड, चालान कट भी जाए मुझे क्या करना। चलो चलते हैं, चालान वालान कुछ देख लिया जाएगा, इधर से ये काट लेता हूँ गाड़ी। ओ भाई ओ बचा ली चलो 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 ऐसा करता हूँ, अब आप भी कहाँ इस खटारा को देखेंगे, मैं फटाफट चल के जब उसके पास पहुँचता हूँ तब बताता हूँ। चलो स्पीड बढ़ाएं, अरे वैसे गाड़ी काफ़ी तेज़ दौड़ती है यार, सही है यार बुआ जवान हो जाती इस गाड़ी की, अच्छा इंजन लग रहा है मुझे इस गाड़ी का ऐसे। चलो भैया चलो 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 शू शू आए हाय, अबे ब्रेकिंग भी सही है, अबे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इस गाड़ी को मॉडिफाई करा लेता और थोड़ा, लेकिन फ़िलहाल तो पैसे नहीं है। चलो भैया झटाक से पहुँचने वाले हैं दोस्तों, थोड़ा दूर है अब यहाँ से। चलो ये ऊपर से कुछ ऐसी सही लग रही वैसे गाड़ी, चलो पहुँची है लगभग। अब आगे पुल से उतर के राइट लेना है और राइट लेके फिर राइट लेना है तो हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अब जब पहुँचने वाले तो आपको क्या लगता है क्या हमारा दोस्त हमारी मदद करेगा? मदद तो वैसे उसको कर देनी चाहिए, आखिर हम लोग बचपन के दोस्त हैं एक साथ, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं उस गैंग से थोड़ा सा अलग था। चलो आगे देखते बात करते भाई से। भाई कुछ गलत नहीं है, बस थोड़ा सा गाड़ी बेचनी थी, थोड़ा सा नहीं मतलब पूरी गाड़ी बेच दो या तुम्हें तो पता है वैसा दिक्कत। गाइस उसने पूरी बात भी नहीं सुनी, बाहर निकाल दिया ये बोल कर कि तू गैंग छोड़ के चला गया था, तू अब भाई नहीं था अपने साथ नहीं रहता है, तो मैं क्या ही करता हूँ यार ऐसा करता हूँ, आज रात के सोने का इंतज़ाम करता हूँ क्योंकि टाइम तो 12 बज गया, पहले सोने का इंतज़ाम कर लिया जाए। चलो दोस्तों गाड़ी साइड से यहाँ कहीं लगा देखते हैं, साफ जगह ये है थोड़ी, ये थोड़ा अपने इलाकों के आसपास का है तो दोस्त है कुछ ना कुछ गुंडे वंडे से बचाए। अभी ये लोग बैठे इनसे जॉब मांगे, शायद माइनिंग वगैरह में हेल्प कर सके, ट्रैक भी छुवा सकूँ मैं इनसे। हाय दोस्तों चल बात करके बताता हूँ आपको, आप प्लीज जॉब का इंतजाम भाई तू करा दे, तू तो अमीर लग रहा है थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर टाइप का, गाली मत दे समझे तमीज में। अबे तेरी ऐसी की तैसी, जा रहा हूँ अभी बेटा पीट देता। गाली भाई मतलब हिंदी में क्या ही बोले, अरे तेरी उसकी टाइट उसकी तो बुआ जबान कर दूंगा, लेकिन मैं इस समय तबीयत ठीक नहीं, एक्सीडेंट भी हो रखा है, निकल लेता हूँ फटाफट। गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा। ओ भाई गाड़ी को उतार के मार देती हूँ, गुंडा बन गया हमसे बड़े गुंडे हैं, हमसे बड़े गुंडे यार साले, जख तेरी भैंस की टाइट है, तेरी भैंस की टाइट। तू तू ज़्यादा बोल रहा था ना, तू ज़्यादा बोल रहा था, तेरी भैंस की टाइट है, तेरी तो फिर टकले पे ऑमलेट बना दूँ, तेल का ऑमलेट वो भी ये ला। तू तू
तू ज़्यादा चौड़ा हो रहा है, बिना बात के चौड़ा, अभी तक बहुत अच्छे से बात करता था, बिना बात के चौड़ा हो गया है। अब आपका बुआ जवान का था हमारी है, तेरी ऐसी की तैसी है, फिर भैंस की टैटो है, बिना बात के चौड़ा होता था। दोस्तों जल्दी निकल लेता हूँ, पुलिस आ गई है फिर से। अब मेरे पास ज़्यादा पता नहीं गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं है, क्या होगा, तो चलो मैं गाड़ी के नीचे लपेट दूँ। अबे यार चलो, मरना तो था ही साले को, इसकी भैंस की टैट कर देता मैं अब। अरे यार ये पुलिस नहीं है, मेडिकल वाले हैं, इनकी जांच करने आए। चलो 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 निकल लेते फटाक से यहाँ से, निकलने में भलाई है दोस्तों यहाँ से, ज़्यादा अगर इनके आसपास आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। गाओ भाई से भी बड़ी मुश्किल से गाड़ी आई है हाथ, ऊपर से लोग साले और पंगा करते, गरीबी में आटा गीला कर देते बार बार मेरा, मैं उस आटे की रोटी भी नहीं बना सकता क्योंकि आटा तो आई नहीं ना असली में। चलो भैया भाग लेते हैं यहाँ से, फटाफट चलते हैं। माइकल वगैरह की हेल्प ले भी नहीं सकते क्योंकि उनको कोर्ट ने बोल दिया है, मतलब कोर्ट या पुलिस वाले ले गए थे लोकल कोर्ट, वहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि आप किसी की मदद नहीं ले सकते। मुझे तो इवन लॉस सैंटोस में घूमना भी मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, इनसे भी कुछ मांगता हूँ। Hey, what's up, babe? Hola. Yo, what's up? Lo que sea. Punk. Ojo, no me hagas llamar a la poli. You pathetic fool. अबे यार इनको तो भाई यार, ओ भाई भाई, ओ भाई तेरी की, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था यार, इसकी भैंस की टैट, ट्रेन आ रही थी, मैं बड़े चौड़े में आके गाड़ी खोल के बैठ रहा था, बच गया भाई। अबे यार इनसे मैं जॉब मांगने की कोशिश करता था लेकिन इनको इंग्लिश ही नहीं आती, अब मैं क्या, पुलिस को भी लोकेशन पता चल गई। भाग 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 फ्रैंकलिन बेटे, भाग ले अब, अगर तुझे बचना है कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह जाना ही पड़ेगा। ऐसा करता हूँ कहीं और के लिए सोचता हूँ, शायद लॉस एंटोस शैंडी शॉस, वहाँ तो और ज़्यादा जिसके ट्रेवल तो हेल्प कर भी देता क्योंकि वो दोस्ती में आगे है लॉ वॉक के। लेकिन टाइम भी याद 1-2 बजने वाला है, 1:52 हो रहा है, लेकिन अब क्या करें, अब ट्रेवल की हेल्प उसको रिस्क में डालना खा सही नहीं है, वो बंदा अच्छा है तो उसको क्यों परेशान करें, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे रात बिताने के लिए ये जगह भी अच्छी, पुलिस से भी बच जाऊंगा। भैया यहाँ से नीचे उतर लेता क्योंकि पुलिस आ रही है, रात में खतरा है, चोर वगैरह, चोर मुझसे क्या ही गैंगस्टर गिरी करेंगे बेचारे, जानते हैं, लेकिन किसी ने कंप्लेन कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। यहीं कहीं छिप जाता हूँ, यहीं सही जगह लग रही है। पीछे क्या है, पीछे टेंट है गाइस, कोई बैठा भी है वहाँ पे, एक बंदा सो भी रहा है लगता है। चलो देख के आते हैं, नहीं सो नहीं रहा, सामान रखा है, ये बंदा बैठा है यहाँ भाई, इससे बात करके देखते कुछ मदद कर देगा करिए। अबे अबे ये तो अब्दुल है, अब्दुल जिसकी मैंने एक बार मदद करी थी। अबे अब्दुल भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है यार मेरे साथ तुझे, ठीक है तू जा पहले कपड़े ले आ, पहले मुंह छुपा लूँ मैं अपना, जल्दी जाइयो ठीक है। और बेटा अब्दुल की चाचा होता है, कहाँ पी रहे हो, मैं भी पिलाओ ना पिलाइयो, चलो ठीक है दान दो, कोनो बात नहीं है। ओ मकसद सो गया है लग रहा, मकसद को पेल दिया गया। ओ भाई लोपड़ी का ना छोड़ो, ढाई बज गया है, फटाफट। अरे ये क्या, इनसे बात करता हूँ, पीने के लिए पानी वगैरह कुछ मिलेगा भैया, भैया पानी मिल जाएगा क्या, पानी वानी दे दो यार, कुछ पी लूँ, प्यास लगी मुझे। ए अब्दुल के बाबा पानी दो ना, क्या यही पानी, अरे यार ये तो नाली का पानी है, ये कैसे पीऊँगा मैं भाई, कितना गंदा है भाई, पी दे वही नहाओ दे अच्छी यार। छोड़ो उधर एक बंदा लग रहा है, ये शायद हेल्प कर दे हम लोगों की, इससे चल के बात करते हैं। ए भाई कैसन बा, हाँ भाई कुछ पीने को मिलेगा क्या, हो तो दो यार भाई, प्लीज़ यार, थैंक यू यार, दे दो भाई, भाई ने अपने को कॉफ़ी दे दी है, भाई बड़े अच्छे इंसान है, इनको तो पता भी नहीं मैं कौन हूँ, मैं जब वापस से उम्मीद हो जाऊँगा मैं आपके इस बंदे की मदद जरूर कर दूँगा। दोस्तों ये है हमारा डॉली कॉफ़ी वाला, हाँ शायद उससे अच्छा है कॉफ़ी वाला, चलो यार कॉफ़ी पी लूँ, आपको बताता हूँ कॉफ़ी कैसी है टेस्ट करके, यार बढ़िया कॉफ़ी है यार, आज तो स्वाद की लग रही है कॉफ़ी, जबकि ये मेरा फेवरेट फ्लेवर भी नहीं है। थैंक यू भाई, अब थोड़ी कमजोरी दूर हो रही लेकिन मैं अब जा रहा हूँ यार, 6:00 बज गए, 16:00 का 6 देख के 6 बजा दिया मैंने। अरे यार
अबे यार तुम लोग क्या करते हो, उतनी देर से मछली ढूंढ रहे हो के? तुम ना पिलाओ यो ना हमें तो अब हम तुम्हें धक्का दे दे, बोतल गिरा दी नहीं, देख बल्ले बल्ले हो गई तेरी। चलो यार चलते हैं यहाँ से अब फटाक से। अबे कपड़े पहनना तो भूल गया दोस्तों, देखो कपड़े पहन लेता हूँ, देखना नहीं। हाँ अब ठीक है, अब मुंह भी छुप गया, बेकार सा कबाड़ ऐसा लग रहा हूँ, कबाड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ। मैं थोड़ा समझ में आ नहीं रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या कह सकता हूँ। फटाफट जा कर करता हूँ अब दूसरी जगह, कहीं और इंतज़ाम करता हूँ। इन लोगों ने कहा यहाँ रात में पुलिस आ जाती है, और पुलिस वाले ने अगर तुम्हें देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अबे यार क्या ही बेकार गाड़ी, सॉकर नहीं काम करते इसके। हाँ तो पुलिस वाले अगर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से हम लोगों को फटाफट कहीं और दूसरी लोकेशन पर भी जाना पड़ेगा सोने इंतज़ाम करने। और जॉब भी ढूंढ लेता हूँ मास्क लगा करके। 6 बज गया अब दोस्तों, सही वाला 6 बज गया। काफ़ी देर इन लोगों के साथ बिता दिया मैंने, काफ़ी अच्छा अपनापन सा लगा। जितना अपनापन माइकल, ट्रेवर, जिमी, ट्रेसी, अमेंडा, लेस्टर, पर्शिया और प्रतिशिया, पता नहीं क्या नाम है उसका, ड्राइवर की गर्लफ्रेंड यानी भाभी की हमारी, तो उनके साथ लगता होता है। चलो यार यहीं एक पास में मोटल है, वहाँ जुगाड़ करते हैं शायद जॉब। ये था ये मोटल, गाड़ी अंदर लगा लेता हूँ, शायद कुछ जॉब वगैरह मिल जाए। नहीं होगा तो रात में पार्किंग में ही सो जाऊँगा गाड़ी में, अब इससे ज़्यादा बेटर क्या ही ऑप्शन मिलेगी, सेफ जगह भी है। चलो गाड़ी सेट कर दी, अब क्या करें, किसी को कॉल करके बात करता हूँ, कौन मदद करेगा। डेव, डेंजी, डॉम, ये भी नहीं करेगा, लामा, लेस्टर कर सके, पर जिमी, अभी जिमी सही लड़का है यार, मदद कर सकता है हमारी। जिमी के पास चलते हैं, वो कुछ उससे कुछ थोड़े पैसे भी उधार ले लेंगे कि एटलीस्ट वो, भाई जिमी आ जाओ भाई, तुम्हारी मदद चाहिए, मिलना है तुमसे। ठीक है ठीक है आता हूँ भाई तेरे पास। चलो दोस्तों जिमी से बात होगी, वो उसने कहा है ठीक है भाई तू परेशान ना हो, मैं नहीं बताऊँगा किसी को, तू आ जा फटाफट। और अब हम लोग चलते हैं जिमी के पास। जिमी वैसे तो उतना अच्छा लड़का नहीं है, अपने बाप के खिलाफ रहता है हमेशा, पर ठीक है यार माइकल का बेटा है तो एटलीस्ट सेफ तो है ही, हम लोग जानते हैं उस पर भरोसा कर सकते हैं, और वो भी हम लोग उससे दोस्ती काफ़ी टाइम से करना चाहते। अब यार तेरी टक्कर की भैंस उड़ा दूंगा, तो वो मदद कर सकता है हम लोगों को, काफ़ी हेल्पफुल नेचर का भी है जिम्मी, दोस्ती में तो कुछ भी करता है, भले बाप का सगा नहीं है। और माइकल भी से हेल्प लेना ठीक नहीं लगता है डायरेक्टली, तो जिमी कैन बी द बेटर ऑप्शन। अबे यार इसकी ऐसी की तैसी करनी पड़ेगी, बुआ जवान कर दूंगा। ए जिमी यहीं कहीं थी यार लोकेशन, अबे वो खड़ा तो है मोटा, अरे मोटे जिमी आ जाओ, आ बैठे आ जा बैठ। हाँ खटा दे लेके घूम रहे, अबे हाँ यार भाई बहुत बुरी हालत चल रही, तुम्हें क्या ही बताएं, अब तुम तो अभी छोटे बच्चे ही हो। अबे ये सब छोड़ो, थोड़ी पैसे की ज़रूरत है यार, पैसे ट्रांसफ़र कर दो मेरे अकाउंट में। कितना 10 लाख, हाँ 10 लाख डॉलर तो कर ही दो एटलीस्ट, कुछ तो मदद। चल हाँ भाई थैंक यू यार, 10 लाख डॉलर मैं तुम्हें बहुत जल्दी चुका दूंगा। मैं इसके बाद एक इस 10 लाख से एक छोटा सा बिजनेस भी डाल दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा, एटलीस्ट लॉयर करके अपने पैसे तो बचा ही लूँ जो थे। चलो यार भाई बाल कटवा ले, बहुत दिन से कंजड़ ऐसा बना घूम रहा था मैं। थैंक यू यार जिमी, तूने बहुत मदद कर दी भाई। गाड़ी लगाते हैं और चलते बाल कटवा के आते हैं, तुझे भी कटवाने हैं मोटे क्या? यार तू सही इंसान निकला, मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तू तो देवता भाई। अबे तूने मैसेज क्या क्या रखा है, फ्रैंकलिन डॉग्स माई डैड्स नंबर। ओ भाई तू ऐसे बेटा, तुझे मैं गरिया देता अगर कोई ना देख रहा होता। अगर आप भी देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं करते तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई। चलो फटाक से बाल कटवा लेते हैं। ये आंटी बाल काट दो, हाँ कौन सी स्टाइल अच्छी लगेगी, ये नहीं, ये अरे ये तो चमका अंडी है, नहीं बे ये अच्छा नहीं लग रहा, यही ठीक है, यही काट दो भैया। हाँ ठीक है ये ठीक लग रही, दाढ़ी भी बनवा ही लेते हैं। ये भाई अच्छी नहीं लगती दाढ़ी, ये सब ऐसे ही घूमता हूँ। ओके ठीक है भाई मिलते हैं। चलो बेटा फ्रैंकलिन, अबे जिमी चलते हैं। क्या कर रहा है, मुंह में लेगा क्या? चलो दोस्तों फटाफट चलते हैं। हाँ तू ले सकता है, चमकांडी लगेगा बस। चलो हम लोग दोस्तों अब कपड़े भी ले लेते हैं, जिमी भाई ने पैसे तो दे ही दिया है एटलीस्ट हम लोगों को। The hell are you talking about? Into the gang.
अबे इसको गैंग में ज्वाइन होना, बात बात पे ऐसे थोड़ी ना काम होता है। जैसे तूने मुझको $10,00,000 दे दिए, तुम्हें कपड़ों में चक्कर से आ रहे थे। अबे मोटा गिर गया, चलो फटाक से कपड़े इधर से खरीद लेते एक दो। अब थोड़ा हैंडसम बनता हूँ क्योंकि जिमी ने पैसे दे दिए, तो अब हम लोग लड़ सकते हैं केस, हम लोग यहाँ रह सकते हैं। चेंज कर लिया दोस्तों, बढ़िया बॉडी वॉडी आ गई अपनी, वापस से ट्राइसेप्स दिखने लगे हैं। इसके पहले तो सब बेकार लग रहा था, अब ज़्यादा जिमी को एटलीस्ट पार्टी तो एक छोटी दे ही सकता हूँ। चलो इसको पिक्चर वगैरह दिखा देते हैं, और क्या ही कर सकता हूँ इसके साथ। बच्चा है बेचारा, दादू तो होता माइकल के साथ ही पीसना चाहिए था, और वही करेंगे हम लोग फिलहाल। तो प्लाजा है वाइनवुड प्लाजा, बेकार जगह है, यहीं कहीं पास में थिएटर वगैरह है तो वहीं हम लोग चलते हैं, देख के आते हैं। अरे भैया साइड हो जाओ, हमको जाने दो। मतलब नई पिक्चर लगी स्टार वॉर्स करके कोई है, स्टार वॉर या फोर्स, तो वो देखते हैं और समझ आते हैं। हाँ चलो दिखा रहे हैं ना मूवी, बोल तो दिया है। चलो आ गए दोस्तों मॉल सिनेमा हाउस के पास आ गए, पिक्चर देखते हैं। पिक्चर देखने के बाद बताते हैं पिक्चर कैसी है। ये देखिए सामने उनके प्रमोशंस के लिए दो कैरेक्टर भी खड़े हैं। यार टैक्सी लगा दी यार सामने, वैसे टैक्सी भी अच्छी लग रही इस खटारा से। तो जिमी से एक और हेल्प मांगता हूँ कि शायद वो उसके एक दोस्त है, वो उसका जॉब है टैक्सी कैब को मेकर के, तो वो हमारी जॉब लगा सकता है कि नहीं। चलो दोस्तों ये देखना, ये इनके साथ फोटो वगैरह खींच लेते। ओह भाई शिट, मैंने अटैक कर दिया था गलती से, सॉरी मेरी गलती थी। भाग भाई टिकट खरीद लेते जल्दी अंदर। हाँ भाई यही टिकट दे दो। चलो पिक्चर स्टार्ट हो गई दोस्तों। भाई $40 काफ़ी महंगी टिकट है, मूवी अच्छी होनी चाहिए। चलो देखते हैं कोको वोलो। ओ भाई सही थी यार मूवी, क्यों जीवी भाई बढ़िया थी ना। हाँ तगड़ी मूवी, ऐसी मूवी रोज बनती चाहिए। चलो स्प्लिट ना करो यार, ठीक है यार मैं तुमने दिए मैं तुम्हें पूरे 10 दे दूंगा, उसमें क्या ही अब तुम $20 दोगे फिर ऐसा करोगे, अच्छा थोड़ी ना लगता भाई है तू अपना। तो फटाफट चलते अब, तुम्हें वापस वहीं छोड़ देता हूँ और मैं जाता हूँ अपने दूसरे काम करने। चलो थैंक यू यार, तुमने टैक्सी में जॉब लगवा दी मेरी, मैं जा रहा हूँ जॉब पे, तेरे पैसे भी तो लुटाने वापस, तो जा तू मजे कर। थैंक यू यार सो मच जिमी, तूने मुझे हेल्प कर दिया, थैंक यू ब्रो। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कोई मदद चाहिए होगी तो मैं तुम्हें फिर से कॉन्टेक्ट करूँगा। ठीक है भाई, थैंक यू ब्रो, बाय बाय। डिसेंटा साथ थाला पौधा रीजन हो तुम भी, मान गया तुम्हें गुरु। चलो दोस्तों चलते हैं अपनी जॉब पे, उन्होंने कहा है कि वो एक गाड़ी देंगे हम लोगों को, बेसिकली अभी वो गाड़ी नहीं देने के लिए कह रहे, मतलब वो यार स्टार्ट हो ना फ्यूल दे। हाँ बेसिकली वो गाड़ी नहीं देंगे वो, हाँ मतलब गाड़ी दे रहे ऐसे गाड़ी देंगे, देखो जैसे क्लाइंट को कहीं जाना उसी की गाड़ी से उसको ड्रॉप करके वापस उस गाड़ी उसके घर पर खड़ी करनी है, ये काम है अपने, है ना, अपने को वो काम नहीं है। हाँ चलो दोस्तों पहला बात कर लेते हैं फ़ोन, वो कह रहा था जिमी बहुत जल्दी आ जाएगा तुमको। चलो क्या ही कहते हैं, वेट तो काफ़ी देर से कहते थे छोड़ो अब घर ही जाते हैं, किसी आसपास के मोटल वोटल की पार्किंग में रुक जाएंगे आज। वैसे जिमी ने पैसे दिए ऐसे उड़ाने नहीं चाहिए, पता नहीं वकील कितनी फीस लेगा अपनी, ऐसे अब क्या ही सीन है क्या ही बताऊँ अब मैं। ये पार्किंग तो बंद है यार, यहाँ चलते हैं अंदर, ये बढ़िया जगह लग रही है, यहाँ की पार्किंग सही है, फ्लैट में छुप जाऊंगा आसानी से। आह डाउन टाउन कैब को कहा आगे कोई, हाँ भाई नहीं नहीं मैं छोड़ दूंगा बिल्कुल, ठीक है ओके डन, बस लोकेशन दो तुम, ठीक है। अरे मैं तो रास्ते में वहीं जा रहा था उधर ही साइड, मतलब निकल रहा था, मैं छोड़ दूंगा बिल्कुल कर दूंगा यार ये काम दोस्तों, गाड़ी भी वो देंगे सब वो देंगे। चलो पहुंच गए हम लोग लोकेशन वोकेशन लगा करके किसी तरह 24 पार्किंग में, उसकी गाड़ी खड़ी यहाँ पे, गाड़ी लगा देते हैं अपनी और उसकी गाड़ी उठा लेते हैं। कौन सी ब्लैक कलर बोला तो यार, हाँ वो खड़ी है, वही तो गाड़ी खड़ी है मिनी कूपर वही है। चलो दोस्तों फटाफट हम लोग चलते हैं, गाड़ी क्या ही लॉक कर दूँ, कौन नहीं चलाएगा इसको, उसमें बैठते फटाक से। चलो भैया गाड़ी दे दी है, थैंक यू सो मच, अब चलते हैं हम लोग। अबे गाना बंद कर देते इसका, हाँ गाना बंद हो गया, अब चलो चलते हैं हम लोग। जूम
यहीं बगल में राइट मारेंगे यहाँ से, राइट मारते पहले राइट पे, फिर आ जाएगा बंदा अपना, इसको पता नहीं कहाँ छोड़ना है। हाँ भैया आ जाओ। अरे बढ़िया एकदम लेस्टर के पापा लग रहे हो, मोटा लेस्टर लग रहा है, वो भी ऐसे शर्ट पहन पहन। शिपयार्ड के पास दोस्तों इनको लेके चलना है, वहाँ पता नहीं को होगा कुछ काम, अमीर इधर आदमी भैया गाड़ी भी सही है। चलो बात कर लेते हैं इनसे। There's some freaks who hang out down there. Achha, I need to talk to them about achha, my niece. Maabe. She hasn't been home in 3 days. Have you heard of the Lost? They're a biker gang. Oh, yeah, biker gang. Jab aise suno to hai wo itni badi hai. Matlab bekar gang hai. Naam kharab kar rakha hai gangster ka, kuch kaam maam nahi, keval peete rehte hai ganja ganja. Aur bas aise chale jaate hain. Bas aisa hi hai. Never had any friends at school living out some homoerotic fantasy. ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि जो जैसा दिखना चाहता है वो वैसा होता नहीं। जैसे आप नारियल कोई ले लीजिए, बाहर से तो कठोर दिखता है, अंदर से तो मुलायम ही होता है, मलाई भी होती है। बस सही बात है यार। सॉरी सर, गाड़ी दो बार ठुक गई है, आराम से चलाऊंगा पक्का। नहीं अच्छा चला सकते होते इमरजेंसी। अच्छा अच्छा young thugs these days, they're all mouth and nothing to back it up. They don't scare me. आपको हमसे ज़्यादा experience है life के बारे में। I just want to find out where Kelly is. Ever since my sister's loser husband ran out on her, I've been like a father to her. बढ़िया बात है। And I know I'm strict. You have to be these days. नहीं यार। The world we live in. See, you're a decent kid, working an honest job for an honest dollar. That's all I want for her. सर मैं बात मानिए, लेकिन यार मेरे को ऑनेस्ट डॉलर कमाना इतना आसान नहीं है। मैं मुझे यहाँ पे कितनी मेहनत से जॉब मिली है मैं ही जानता हूँ। मैं दोस्त ने मदद की। जी सर। Take this gun. Hey, what? Hey, gun क्यों? अरे आप तो क्या बात करने जा रहे हैं ना? Worst case I thought you'd be okay with it. Why? अरे ठीक है, मैं इंडियन गाय हूँ, काला हूँ, तो आप क्या मेरे को गन थमा दोगे? ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ यार। अरे चलो कोई नहीं, ठीक है मैं रखता हूँ, आप जाओ बात करके आओ, कुछ रूम में आता हूँ। ठीक है सर, ओके सर, आराम से बात करना, कोई चिंता की बात नहीं है, हम यहाँ संभाल लेंगे। Don't worry about them. Worry about the bad math of me and two hookers equaling no action. No, he looks really pissed. I want to see this. यार ये तो बात ही नहीं कर पा रहे, डर गए लग रहा, मेरे को ही जाना पड़ेगा। चलो रोको गाड़ी, गोली अंदर रख लेते, बात करते चल के। Hey, where's my niece, you punks? Where's Kelly? I know you got her. अबे यार ये तो बिना बात की गोली चलाने लगे, फटे हुए हैं इनकी तो। टकला फोड़ देंगे, येला येला तेरे को भी तेल का ऑमलेट में बदल दूंगा आज मैं। यार सुबह सुबह काम ही काम करे जा रहा हूँ, येला येला तेल का ऑमलेट तेरा तेरा भी ले दूँ। अब उधर से कोई मार रहा है यार, देखो इनकी ऐसी की तैसी करता हूँ। चप्पल दिख नहीं रहा। तो दोस्तों लास्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ था कि मैं कहीं लड़ रहा था, मेरे को कुछ अच्छे से याद नहीं है, और फिर मेरे को चक्कर आ रहे थे, काला काला होने लगा, और मैं मेरे को गोली भी लगी थी शायद, और मैं यहाँ आ गया हूँ फिलहाल। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। चलो अपनी कंपनी में बात कर लेते हैं वापस से, क्या आप कंपनी में कि मैं जॉब के लिए तैयार हूँ भैया, क्योंकि वो जानते इसमें रिस्क ज्यादा होता है। क्या कर दी? अरे ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह लग रही है, छोड़ो। और ये उसका पति जा रहा है, आदमी कैब आ गई। चलो दोस्तों ड्राइवर भाई से अपनी गाड़ी ले लेते हैं। हाँ भैया गाड़ी दे दो हमको, हम जा रहे हैं, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ अपना मजे काटो जा कर के। चलो दोस्तों यार ये वाली सही लग रही है क्या? सही है। और बताओ दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा होगा, हमें पता है आप लोग बहुत दुष्ट हो गए, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चलो फटाफट पहुँचते, ठीक है यही पास की लोकेशन है, हम लोग अपना अगला बंदा उठा लेते हैं और लेके चलते हैं इनको वहीं पे। हाँ टैक्सी आ गई भैया, आ गई, ज़्यादा परेशान ना हो।
चलो ठीक है, फटाफट दोस्तों हम लोग इनको छोड़ के मिलते हैं आपसे। दबा देते गाड़ी एक्सीलेटर कस के, ज़ूम। ऑल राइट दोस्तों, बस अब हम लोग पहुंचने वाले, बस ये लेफ्ट लिया और अब आ गए यहाँ से। कहाँ पे क्या लेफ्ट लगाओगे, राइट बीच में राइट लेना है, ठीक है राइट साइड लगा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों लगा दिए गाड़ी यहाँ पे, अब इनको छोड़ दिया, इन्होंने से अच्छी बात हुई और इन्होंने टिप भी दी। ओह माय गॉड थैंक यू ब्रो। अब बता देते कि आप लोग ने उसको छोड़ दिया है, कोई और कोई जॉब हो तो बता सकते हो। ओ, पास की लोकेशन भेजी है तो चलो हम लोग चलते हैं। गाड़ी थोड़ी अजीब सी आवाज कर रही है, कोई नहीं चलो, कोई छोटी मोटी फॉल्ट होगी, अभी दिखा लूंगा किसी कस्टमर वगैरह पे उसको। हाँ भैया आ जाओ बैठ जाओ। अबे आजकल सब टकला ऑमलेट बने घूम रहे। चलो दोस्तों यार ये तो काफ़ी दूर है, मतलब अच्छा खासा पैसा देंगे। ये पलीतो बे के आसपास की लगभग है, पलीतो बे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पास लग रहा है। चलो अबे ये क्या, अरे बाप रे, अरे भैंस की टर्ट इसकी, भागो भाई भागो भागो भागो। और देखते देखिए ये मैंने क्या कर दिया, लग रहा है टैक्सी ड्राइवर की जॉब चली गई। अब देखते देखिए एक और बार टोक दी, अब तो मैं नहीं बचने वाला हूँ, ये मालिक मुझे निकाल देगा। मैंने जिमी की दोस्ती भी ख़राब करवा दी उससे। चलो कोई नहीं, हम लोग पैसे पे कर देंगे जो जिमी ने दिए थे उससे, क्या ही कर सकते। ओ भाई ओ भाई ओ ओ तेरी की टैक्सी ऐसी तैसी हो गई है यार। चलो फटाफट इनको भी छोड़ के मिलते हैं आपसे, ये भी बहुत दूर है। अरे फिर ठुक जाएगी यार, फिर ठुक गई आज तो, किस्मत ही नहीं ठीक है। चलो दोस्तों चलो दोस्तों बस हम लोग पहुंचने वाले हैं, यहाँ से बस थोड़ी दूरी है, 3-4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। बस पहुंच गए इनके पास, यहाँ से राइट और ये राइट से स्ट्रेट। हाँ भैया कहाँ पे छोड़ दिया, एटीएम के पास। अच्छा ठीक है, ये लोग एटीएम के पास आ गए, लेफ्ट में लगा दी थे गाड़ी। यार लगता है गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम नहीं अच्छे से काम कर रही है। यहाँ तक आ गए तो आपको एक बार अपना बैलेंस भी दिखाई देता हूँ कितना हो गया है। नींद भी काफ़ी आ रही है, कल रात भी ढंग से सो नहीं पाया था, अस्पताल में एडमिट था वहाँ भी दर्द हो रहा था। तो भैया जल्दी कर लो यार, जाना है मुझे, मालिक चिल्लाएगा वरना। जल्दी कर ले भाई, तू तेरे हो क्यों नहीं पाता, चल हट दो हमें करने दो। हाँ ये हाय हेलो करने का टाइम है, काम नहीं कर पा दो। अरे जा बुला जाके बोले सर। ये देखिए दोस्तों हमारे पास 9,61,158 है, टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा 61 ले लेगा तो हमारे पास $9,00,000 बचेंगे। पुलिस बुलाएगा, इतना बड़ा हो गया, अब गैंगस्टरगिरी करनी पड़ेगी दोस्तों। बहुत दिनों तक शांत रहा था, अब इनकी ऐसी की तैसी कर दूँगा। वैसे ही आउट ऑफ टाउन है तो यहाँ पर लूट सकता हूँ उस स्टोर को। Give me all the cash you got now. जल्दी फटाफट पैसा दो, तुम पुलिस को बुलाओगी हैं? ये ले। Let's go. Okay, okay. हाँ, दे जल्दी। जल्दी दो बेटा जल्दी। बिना कुछ लेट गया। What? I have nothing left to give. You asshole. गाली दे दे, ये ले। तेल का ऑमलेट बना दिया मैंने, अब गाली नहीं देनी चाहिए थी। दोस्तों इस दुकान के सारे CCTV फुटेज तोड़ देख के जाता हूँ यहाँ से। और ये हार्ड ड्राइव उड़ा दी, टेलीफोन भी उड़ा दिया, हार्ड ड्राइव भी उड़ा दी, और ये मॉनिटर पे भी गोली चटका दी। अब निकल लेते हैं यहाँ से, हम लोग फटाफट चलते हैं कहीं, कुछ ना कुछ मज़े करके आते हैं। और अब कौन सी गाड़ी, टैक्सी तो नहीं लेके जाऊँगा, ये गाड़ी ठीक लग रही, यही लेके निकल लेता हूँ। चलो दोस्तों, ओ भाई पुलिस यहीं से गई थी लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, उसको लगता है कुछ और लोकेशन मिल गई है, मैं निकल जाऊंगा चुपचाप। चलो दोस्तों निकल लेते हैं यहाँ से फटाफट,
थोड़ा सा आगे जा कर के फिर मोड़ के पीछे ले लूँगा, या फिर पलीतो बे से होते हुए लॉस सैंटोस डाल दूँगा, यहाँ छुप जाऊँ। हाँ भाई ये भी जगह सही। वो भी क्या गाड़ी है भाई, ये तो एकदम टॉय कार ऐसी लग रही है भाई। सही है, टॉय कार छोड़ो यार, पुलिस लगी पीछे। चलो आराम से फटाफट कहीं यहाँ पार्किंग में छुप जाऊँ क्या, गाड़ी खड़ी करके गायब हो जाऊँगा यहाँ से, बीच पे चला जाऊँगा यहाँ से। नहीं यार कुछ और ही जुगाड़ करनी पड़ेगी। नींद आ रही यार, फटाफट घर जा के थोड़ी देर सो लेता हूँ। चलो पुलिस तो चली गई दोस्तों, अब हम लोग भी फटाफट घर जाते हैं और फिर उसके बाद से हमको चल के कैब कंपनी में अपने पैसे दे करके टैक्सी के नई गाड़ी निकलवा लेते हैं। चलो फटाफट, और टाइम भी काफ़ी हो रहा है। अब मैं ओसला से एक बार बात कर लेता हूँ, इसको मना लूँ या मान जा जो भी हुआ, चल तू 55 ले ले, मैं 45 ले लूँगा। इसको क्या हो गया भैया, टैक्सी चाहिए टैक्सी? हाँ भैया हम तो घूम ही रहे इसलिए। हाँ हाँ टैक्सी है भैया, हम आ जाओ। चलो भैया हमारे पास दोस्तों केवल 2 घंटे, इस बंदे को 2 घंटे में फटाफट एयरपोर्ट भी पहुँचाना, और एयरपोर्ट यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। चलो यार ज्यादा टाइम नहीं है, चलो दबाते हैं फटाफट। चलो दोस्तों ये तो बहुत बकवास कर रहा हूँ, हम लोग फटाफट मिलते हैं आपको इसके एयरपोर्ट के आसपास। ऑल राइट दोस्तों, तो अब हम लोग एयरपोर्ट लगभग पहुँचने वाले हैं। यहाँ से हाईवे से बस थोड़ा सा टर्न वगैरह लेना है, स्ट्रेट में ही है, और बस पहुंच गए हैं। इसको उतार देते हैं फटाफट टाइम से पहले। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। ओ भाई buddy, क्या जो ग्रिफ्ट मारी, थैंक यू ब्रो। अरे अभी मैं खुद खरीदी फिर खरीद लूँगा, बहुत काम कर लिया दोस्तों। अब तो और तेज नींद आ रही, थकान भी बहुत हो रही है, सर भी दर्द हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज इतना ही रखते हैं। लेकिन क्या ये भाई, कुछ तो आवाज़ आ रही है। ओ भाई पुलिस, पुलिस मेरे पीछे है क्या? ओ भाई मेरे पास से निकली। अबे चोर पुलिस को दौड़ा रहे कि पुलिस चोर को? अबे गोलियां चलने लगी, देखते बिग बॉस, देखते लाइव बिग बॉस गैंगस्टर माफिया। अरे अरे यार क्या बच्चों वाली चीज़ें करता हूँ, निकलता हूँ यार यहाँ से टाइम से फटाफट, इसके पहले मैं पकड़ लिया जाऊँ, क्योंकि मैं तो इन सबसे बड़ा गैंगस्टर, कुछ भी होगा मेरे को पकड़ लेंगे ये लोग। निकलते हैं यार यहाँ से फटाफट, चलते हैं हॉल से होते हुए हॉल वाले रास्ते से हम लोग अपने घर निकल चलते हैं। फिर अब कल जा कर के कैब कंपनी में बात करता हूँ कि क्या करना है, क्या सीन है, और फटाफट चलो। hey, बढ़िया कहा चल लिया रही अली भी। हाँ चलो चलो दाब दो दोस्तों, मैं तो अब इतनी बुरी हालत में, मुझे तो नींद भी बहुत तेज आ रही है, बहुत सारे काम कर लिए पिछले एक हफ्ते से, सो भी नहीं पाया हूँ केस वगैरह की वजह से। लॉस एंड टॉस में भी कहीं अच्छे से नींद ही नहीं आती थी। अब चलो छोड़ो यार, उसला से एक बार बात करता हूँ, शायद वो मान जाए यार, कभी तो है कॉल उठा ले। hey, so wanna... उसला क्या तुम मिलना चाहोगी? मैं तुमसे मिलके बहुत बातें करना चाहता हूँ। अरे यार तो दोस्तों अच्छी बात यह है कि उसला मान गई है हमसे बात करने के लिए, और वो हम लोगों को बुला दी रीना, मतलब सैंडी सुस ट्रेवर के घर से भी आएंगे। जाना तो पड़ेगा यार, लाखों करोड़ों की बात है, और आफ्टर ऑल यार जो कहता हूँ मैं उससे। चलो दोस्तों दबाते हैं गाड़ी, यार ये गाड़ी लेके तो मैं इतनी जल्दी पहुँच भी नहीं पाऊँगा, और नींद भी अच्छी खासी आ रही है। इस गाड़ी का एम्बियंस ठीक है थोड़ा सा, इस वजह से और ज़्यादा लग रहा है। गाड़ी भी टूट गया यार, क्या करूँ, कोई बाइक अच्छी नहीं है क्या? बाइक से स्पीड काफ़ी तेज़ मिलती है। ओह एक बंदा बाइक अभी अभी खड़ी करके गया है दोस्तों, मैं उसकी बाइक लेके यहाँ से निकल रहा हूँ, फटाफट चलते हैं यहाँ से। ये बाइक से अभी आप देखिए मैं कितनी तेज पहुँचने वाला हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के पास, क्योंकि अब वापस मैं उसको मना लूँगा, केस वगैरह वो ले लेगी वापस, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं वापस अमीर हो जाऊँगा, क्लिंटन डीलरशिप खरीद लूँगा, मैं अपना लॉस सैंटोस में गैंगस्टर रूप वापस ला पाऊँगा अगर उसको मैं मनाने में कामयाब हो गया तो। फटाफट बस गाड़ी दाबनी हम लोगों को, और करना ही नहीं है कुछ, तो गाड़ी लगाते हैं फुल स्पीड में, और लगाते हैं बैकग्राउंड कोई तगड़ा सा म्यूज़िक ताकि नींद ना आए, मैं गाड़ी सुनते हुए मस्त चले गए, और नींद और वापस से नींद आ गई यार मेरे को, तो मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन गाड़ी आज नहीं रोकेगा तेरा भाई, ये हेलमेट लगा लूँ सेफ्टी वेफ्टी में, अगर मैं गिर गिर गया तो ऐसा कोई पंगा ना रहा हो मेरे साथ। चलो दाब देते दोस्तों, और वैसे आप बताइए क्या आप और पुअर टू रिच, रिच टू पुअर किस टाइप की सीरीज पसंद कर देंगे, और बैंकिंग
की आइस्ट और मनी हाइस्ट जैसी सीरीज वगैरह चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं तो दाब रहा हूँ गाड़ी अपनी गर्लफ्रेंड के घर के लिए। और वैसे कुछ दिनों में यहाँ पे लॉस एंजेलिस में होने वाला है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, और मैं सोचो मैं माइकल या ट्रेवर में से किसी एक को खड़ा कर लेता हूँ ताकि हम लोग में से किसी एक के पास भी अगर गवर्नमेंट पावर आ गई तो हम लोग तबाही मचा सकते हैं, हम लोग दुनिया पे राज कर सकते हैं, हम लोग चाइना वाइना की बजा सकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों बताइए क्या करना चाहिए, मेरे को लड़ना चाहिए इलेक्शन या नहीं? लेकिन इलेक्शन लड़ने से पहले मुझे अपने आप को अमीर शो करना पड़ेगा इलेक्शंस में, क्योंकि वहाँ पे और जितने भी जो भी बंदे इलेक्शंस लड़ते हैं वो अमीर होते हैं। और मैं अगर ऐसे बुफैलो में घूमूंगा तब तो लोग मुझे गरीब समझ के वोट ही नहीं देंगे। तो इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं हाइस्ट करने वाला हूँ सबसे महंगी कार की, जो कि एक उसकी कॉपी मतलब ट्रेवर ने भी खरीदी है, ट्रेवर ने एक जगह से चुराई थी, उसको पता है एक कार और, तो वो हम दोनों मिलके चुराने वाले हैं अब की बात। और ऑलमोस्ट हम लोग अब देखिए पहुंच भी गया हाईवे पे, क्या ही स्पीड थी पता ही नहीं चला, 177 176। यहाँ से ऑफ रोड ही कर लेता हूँ थोड़ा सा और उछाल देता हूँ गाड़ी फटाफट के लिए अपने लिए। और दोस्तों मुझे जेल में भी जाना है, मतलब जेल वैसे नहीं जाना है कांड करके, मतलब हाँ मतलब जेल जा करके अपने एक दोस्त को बचाना है वहाँ से हमारी गैंग का बंदा, ताकि गैंग के बंदों का सपोर्ट मिलेगा वापस से। जब तक अबे ध्यान नहीं दिया यार, चमक नहीं दी थी ये, तो मैं कह रहा था लग गई यार तो दो गोली वाली जगह पे, कोई बात नहीं। मैं कह रहा गैंग वाले बंदे को छुड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अगर वो छूट गया तो हम लोगों की वापस से पकड़ बन जाएगी, हमारी गैंग वर्सेस और भी गैंगों को भरोसा होगा, बाकी गैंग डरेंगे तो हम लोग थोड़ा पावरफुल दिखेंगे इस शहर में, तो वही हम लोगों को चाहिए। तो ऑलमोस्ट अब हम लोग पहुँचने आ रहे हैं, सामने बस एकदम स्ट्रेट रास्ता है ये, कहीं कुछ नहीं करना। और ये लीजिए वो खड़ी हमारी बंदी, ओए ओए सीटी बजा दो क्या, हाँ आओ बैठो फटाक से, चलो तुम्हें आज समझाते हैं अच्छे से, नहीं मानी तो तुम्हें समझा ही देंगे ऊपर पहाड़ में समझाएंगे, वहाँ नहीं मानी तो और ऊपर ले चलेंगे, ले जाओगे मतलब ले जाएंगे क्या कहें, हाँ मतलब तुमको ही भेज देंगे सीधे ऊपर, भगवान समझाएंगे फिर तुमको, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं यार, देखो हमारे पास ऐसे कुछ नहीं, तुम केवल एक छोटी सी बात पर गुस्सा हो गई यार, क्या यार तुम ऐसे परेशान क्यों हो रहती हो, करती रहती हो। अब फटाफट यहाँ से दाबते हैं नाई घर की तरफ, और तो घर से पहले हम लोग जा रहे हैं माउंटेन राइड के लिए, जो कि तुम्हें पसंद है। और तो वैसे तो तुम्हें तो बहुत सारी राइडें पसंद है, कौन सी करना चाहोगी तुम बता देना माउंटेन राइड के बाद। तो फिलहाल तो माउंटेन राइड कर, अच्छा तो दोस्तों ये बेसिकली उछला बताया कि इसकी मॉम ने ही इसको भड़काया था कंपनी में ज़्यादा शेयर के लिए, अब ये कह रही कि ये क्लिंटन डीलरशिप में इसको 10% 1% का भी हिस्सा नहीं चाहिए हम लोग, और उल्टा ये पैसे देगी हम लोगों को क्लिंटन डीलरशिप में, और इसको गिल्ट है इस बात का कि इसने हम लोगों पे केस करा वगैरह। तो अब क्या ही यार, लेकिन एक बार तब भी इससे बैठ के क्लियर करते हो, हम लोग इसने जब ऐसा कहा है तो इसको हम लोग एटलीस्ट 40% का हिस्सा ऑफर कर देंगे, क्या ये मानती है कि नहीं, और देखते समझाना पड़ेगा। और यार तुम देखो बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे पता था, देखो इसीलिए मैं बार बार कोशिश करता था, मैं चाहता तो अपना बंदा ला सकता था लॉयर, और फिर केस में तुम्हें हरा करके मैं केस जीत जाता। यहीं साइड से लगा लेते, इससे बात कर लेते हैं साइड से लगा करके, हाँ ये पहाड़ जगह सही लग रही, यहाँ पर इससे बात कर लेते हैं। ओह इधर भी है, डरो नहीं मैं सलमान भाई नहीं हूँ, अरे डरो नहीं, अरे यार ऐसे नहीं बोलते यार, कोई नहीं यार तो बात कर लेते हैं आराम से हम लोग, क्या हो गया तो उतर क्यों दिया। सो दोस्तों हम दोनों की बात हो चुकी है और ये उर्सुला बिल्कुल मान गई है, इसने कहा 40 नहीं मैं लूँगी केवल 20% 80% तुम्हारा होगा, और हमारे बीच की जो दिक्कतें थी वो भी सॉल्व हो गई है, और इस फिलहाल ये अपनी मम्मी का घर भी छोड़ के आ गई है, हमारे साथ रहेगी अब से परमानेंट, तो इसको भड़काया नहीं जाएगा। फिलहाल इतनी रात होगी मुझे भी नींद आ रही, मैं आज इसी के घर पे स्टे करने वाला हूँ, और आराम से मिल के हम लोग रात भर डिस्कस करेंगे क्या कर सकते हैं और कैसे बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। और आप अब इसकी घर की झाड़ियाँ तोड़ दी, कोई नहीं वैसे भी अब ये रहेगी नहीं यहाँ पे, ये तो मेरे साथ मेरे मेंशन में रहेगी। हाँ मैं क्यों शाही होऊंगा, शायद तुम हो जाओगी, बिकॉज आई विल मेक यू ड्राई, नहीं ड्राई नहीं, ड्राई का अपोजिट, समझो ना, समझो ना।
चलो यार दोस्तों सो ले, तो बहुत नींद आ रही है। डोंट स्ट्रोक बारिश हो रही है दोस्तों, और मैं आ गया हूँ सुबह एकदम फ्रेश होके, थोड़ा सा लग रहा है लेकिन मज़ा आ गई है एकदम। और बिजली भी चमक रही है यार, यहाँ से निकलते हैं फटाफट, बाइक उठाते हैं अपनी और निकलते हैं, कैब कंपनी भी जाना है जा करके, ऐसा जाता हूँ क्योंकि उसला से बात हो गई है और ये पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर दी मेरे अकाउंट में, तो मैं जा करके कैब कंपनी ही खरीद लूँगा, क्योंकि जिमी पता जाता वो कैब कंपनी वो बंदा बेचने वाला है, तो वो किसी और को बेचे उससे बेटर मैं ही खरीद लेता हूँ। ऑल राइट दोस्तों, अब हम लोग भी घर पहुँचने वाले हैं, काफ़ी टाइम हो गया है अपने घर को देखे बिना। चलिए, अरे यार ये क्या कहता है, लहरा क्यों रहा है। चलो दोस्तों चलते हैं अब हम लोग घर, बिजली भी चमक ही रही है उसी तरह से, अंदर लगाते हैं क्या करें। वाओ यार क्या दिन बाद इसको देखा, बड़ा मज़ा आ गया यार एकदम से, इंटरेस्टिंग पन एकदम, क्या ही बताएं, मज़ेदार सीन लग रहे थे ऐसे ही चीज़ों को भी, तो बस वेट कर रहा करता हूँ। चलो यार दोस्तों गाड़ी अंदर लगा देता हूँ, बाहर बिजली वगैरह चमक रही, थोड़ा देर मैं थोड़ा देर कह रहा हूँ, थोड़ी देर में बस नहा धो के रेडी होके मैं निकलता हूँ जैसे बारिश बंद होती है, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास अभी कोई कार नहीं है, तो जा करके कार खरीदूँगा। स्विमिंग पूल में एक बार नहा लेता हूँ यार, रात भर का गंदा था। पानी गंदा था यार नीचे, तब भी होल्ड कर लिया अच्छे से, वो नहा लिया, अब जा करके चेंज कर लेता हूँ। अबे ये क्या हो गया, घर को घर ऐसे क्यों हो गया, चलो कोई नहीं चेंज कर लेता हूँ। और सो नहीं यार लमाद वगैरह को बुलाता हूँ, लमाद, अबे हाँ भी लमान से याद आया, लमान ने मेरे से 20 लाख रुपए उधार लिए थे और उसने अभी तक वो नहीं दिया है, वो किसी जॉबरी में जा रहा था, तो उसको गैंग और हेलीकॉप्टर वगैरह के लिए चाहिए थे, उसने कहा था कि 20 लाख का अराउंड 5% वो हमको देगा, मतलब जो कि बनता है सीधे $1,00,000, तो वो $1,00,000 लेके भी नहीं आया और उसने ना अभी तक 20 लाख रिटर्न करे, तो चल के लमा से भी बात कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, खाना वाना खाता हूँ और फिर मिलता हूँ, या फिर नहीं मिलना तो लमा से ज़रूरी है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। पहले एक बार यहाँ से अपने घर से लॉस एंटोस का पूरा व्यू देखूँ, रिलैक्स हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, और खाने के लिए अभी भी कुछ है नहीं घर पर, ऑर्डर ही करना पड़ेगा, इधर भी कुछ नहीं है, वाइन वगैरह कहीं कुछ नहीं पड़ी है, वरना मज़ा आ जाता। छोड़ो यार बाहर ही चल के व्यू एंजॉय करते हो, बारिश भी रुक गई है, सूट नहीं ख़राब होगा अपना, फटाफट चलते हैं। ओ भाई क्या नज़ारा है यहाँ से, इसी के लिए तो मैंने वो इलाका डाउनटाउन वो गैंग छोड़ी थी कि ऐसी आराम से जी सकूँगा। क्या व्यू आ रहा है, मस्त मज़ा आ जाती है ऐसी चीज़ें देख करके, और उसला भी मान गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।